शर्मा जी, कोंडली घड़ौली में नोटबंदी पे लोगों की क्या राय? मैं जो ये नोटबंदी का फैसला माननीय नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला जो लिया है, मैं कोंडली घड़ौली की जनता के बीच में रहता हूं। मैं इस क्षेत्र के एक एक मार्केट के अंदर घूमा हूं, एक एक घर परिवार में जाना मेरा होता है। आज मोदी जी का कद कोंडली घड़ौली क्षेत्र के अंदर इतना बढ़ गया है कि वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। आप बताएं, आप कहां से हैं और क्या राय है नोटबंदी के बारे में? हमारे प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मूलरात केसरी घड़ौली कोंडली SFS फ्लैट की जनता बहुत अच्छी ढंग से खा कमा रही है और लाइन में लग कर पैसे बड़े अच्छे ढंग से ले जा रही है। आप बताए कोंडली घड़ौली की जनता की क्या राय है नोटबंदी के बारे में? हमारे यहाँ की जनता ने सारा पूरा सहयोग दिया है, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत किए हैं। कोई किसी ने विरोध नहीं किया, अपनी परेशानियों को आपस में मिलके एक दूसरे से बांटा, इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। आप बताएं गुप्ता जी, आप कहाँ से हैं और क्या राय है नोटबंदी? ज्ञान प्रकाश गुप्ता बोल रहा हूँ। मोदी जी की जो स्कीम आई नोटबंदी की, बहुत अच्छी स्कीम थी, बहुत अच्छी स्कीम है। यहाँ पर अभी लोगों को जो दिखाया जा रहा है टीवी के अंदर या और जगह माध्यम से कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रिक्शे वाले, जब सब्जी वाले, जो गरीब तबके के लोगों के लिए बोला जा रहा है, वो सब सबसे बातचीत भी करें, हमें कोई समस्या नहीं है। और यहाँ लोगों ने एक दूसरे को आपस में बहुत कोऑपरेट किया। जो मकान मालिक यहाँ पर है, यहाँ पर किरायेदारों की संख्या भी काफी है, तो किरायेदारों में मकान मालिक में भी आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है। किसी को कोई परेशानी नहीं है, ना किरायेदारों की परेशानी हुई ना मकान मालिक की परेशानी। यहाँ पर सबसे अच्छे सबसे बड़ी बात यही है, नोटबंदी के अंदर कोई समस्या नहीं है। पता नहीं क्यों बड़ा चला के दिखाया जा रहा है। आप अपना परिचय दें और बताएं कि क्या नोटबंदी का जनता की जनता में आप क्या प्रभाव देख रहे हैं? मैं नरेंद्र प्रताप गौतम हूँ। यहाँ सोशल एक्टिविटीज में लगभग कंटिन्यू बरकरार रहता हूँ और जो पिछले 20 से 25 दिन में देखा गया है, सबसे पहली बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिए गए अहम फैसले का हमारी जनता ने इतना स्वागत किया कि अभी तक यहाँ बैंकों में लाइन के अलावा कोई एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की जो कि और जगह चल रहा है वो सब यहाँ देखने को नहीं मिला। यहाँ की जनता ने कोऑपरेट किया, बड़े अच्छे से कोऑपरेट किया, वो कि एक दिखाया कि हाँ वास्तव में सोशल और सामाजिक यहाँ की जनता है, हर तरीके से उन्होंने कोऑपरेट करके चला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का सम्मान करते हुए और उनके हाथ मजबूत करते हुए जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ की जनता ने किया है, उनका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अंत में आप फाइनल क्लोजिंग कमेंट क्या देना चाहेंगे? मैं फाइनल कमेंट आपके माध्यम से इतना बता देना चाहता हूँ, इस नोटबंदी के फैसले से हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उनको बहुत ही आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कल में सिर्फ मोदी जी के सिवा यहाँ पे किसी और प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना भी नहीं देख सकता। इन्होंने इतने दूरगामी परिणाम लाने वाले जो कदम उठाए हैं, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मोदी जी की दीर्घायु हो और इस देश को सुधारने में उनका ये अहम फैसला, ये ही नहीं और भी जितने फैसले, जितने इनके अपने जो और उनके कायदे कानून से जो चलने वाली चीजें हैं वो लेके जो आ रहे हैं, जितने भी चुनौतीपूर्ण जो कार्य किए उन्होंने, इतने चुनौतीपूर्ण कार्य आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो और इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के ये काम करेंगे। भारत माता की जय।